नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जेसीबी का जो इंजन है उसके बारे में यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स बताने वाले हैं। जेसीबी में कैसा इंजन होता है, क्या उसकी पावर होती है, क्या उसके यहाँ पर पार्ट्स होते हैं, तो सब आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। ये जो यहाँ पर आप इंजन देख रहे हो, इंडस्ट्रियल पावर यूनिट ये इंजन है और 3 लीटर का स्टेज 5 का। और अगर हम किलोवाट पावर की बात करें तो 55 किलोवाट प्लस 74 HP का आपको यहाँ पर इंजन मिलने वाला है। और 410 न्यूटन मीटर की आप गाड़ी में इस इंजन में आपको यहाँ पर टॉर्क यहाँ पर आपको जनरेट होगा। और DOC प्लस DPF पर ये इंजन काम कर रहा है। और मांगे भी लो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 500 घंटे का यहाँ पर सर्विस इंटरवल, सबसे ज़्यादा इंटरवल यहाँ पर आपको ये जेसीबी कंपनी यहाँ पर देने वाली है। और यहीं पर बात कर रहे हैं हम गाड़ी में यहाँ पर ऑप्टिमाइज फ्यूल इकोनॉमी, रियल वर्ल्ड ड्यूटी सर्कल में बहुत ही ज़्यादा हैवी टंक्स यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देखते हो अल्टीनेटर्स यहाँ पर देख सकते हो। और साथ में यहाँ पर मेन बात है गाड़ी की सेल्फ, इंजन में सेल्फ है, वो सेल्फ यहाँ पर पॉइंट की हुई है और बिल्कुल एक ही सिंगल डायरेक्शन में। भाई कोई बेल्ट का काम नहीं किया हुआ है, जो यहाँ पर सेल्फ का यहाँ पर मांग के लिए ऑयल है वो सीधा डायरेक्ट जुड़ी हुई हुई है। और यहाँ पर स्टील की यहाँ पर सारी पाइपिंग है। मार के चलिए यहाँ पर देखते हो एयर क्लीनर की ऑप्शन भी यहाँ पर साथ में दी हुई है। अगर हम दूसरे इंजन की बात करें तो यहाँ पर देखो ये है दूसरा इंजन। और अगर हम इस इंजन के यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 4.4 लीटर और 4.8 लीटर BS4 इंजन है और IPU यहाँ पर देखते हो। और 74 HP, 91 से लेकर 125 HP और 145 और 173 HP यहाँ पर आपको मिलने वाली है 1250 से लेकर 1500 RPM तक। और नो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर नहीं आता इसमें, DPF नहीं आता। टेक्नोलॉजी बहुत ही इनोवेशन पर काम करती है। हमारे लिए खर्चा आपका कम होने वाला है, जब DPF नहीं डलेगा तो खर्चा कम होगा। और SCR ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट, वन कैन सोल्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक हाई प्रेशर कॉमन रेल यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन इस इंजन में यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं, इंजन ऑयल चेक यहाँ पर लगे। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो लगा हुआ है वो EDC लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल लगा हुआ है। और सही बात है यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको सारा JCB की यहाँ पर ब्रांडिंग रहती है। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी में सेल्फ लगी हुई, अल्टरनेटर का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया, जो गाड़ी के यहाँ पर इंजन के यहाँ पर जो फिट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिए हुए हैं। मांगे जाए सबसे ज़्यादा जो एक मिनट थोड़ी सी बात की हुई है, जो यहाँ पर इंजन अगर हम ऑयल चेंज करना हो तो जो फीट है और उसका जो ऑयल कैरी है वो थोड़ा सा डाउन ज़्यादा दे रखा है, वो थोड़ा सा अप चाहिए था। बाकी अगर आप ये इंजन इंस्टॉल करते हो तो पाँव के नीचे फिटिंग आ जाती है, फुट स्टेप आ जाते हैं, तब ये इंजन बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।